हेलो दोस्तों, टैक्स फॉर वेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हिमांशु कुमार और आज हम बात करने वाले अपने एक्सपर्ट के साथ और समझने की कोशिश करेंगे। एक हमारे व्यूअर मिस्टर राजू हैं जिन्होंने हमसे एक क्वेश्चन पूछा है, उसको लेके मैं सुयश को ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनके क्वेश्चन का हम आंसर कैसे करें। अब पहली चीज़ मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को जो कि इस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस तरह के जो भी क्वेश्चन पूछेंगे हम अपने एक्सपर्ट के थ्रू उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं वो क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। उनका मोटा मोटी जो क्वेश्चन है वो ये है, लेकिन मैं क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड भी पढ़ूंगा कि आज की कंडीशन में हम म्यूचुअल फंड या लमसम इन्वेस्टमेंट कैसे करें। उन्होंने जो हमसे पूछा है, प्लीज एडवाइस इन द प्रेजेंट सिचुएशन एज मार्केट आर ऑन द राइज, इट इज वाइज टू मेक लमसम इन्वेस्टमेंट इनटू एनी फंड। तो सुयश मुझे ये बताएं कि इनका जो एक ऑब्जर्वेशन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमेशा आप देखते हैं कि हमसे पूछा जाता है, इस पर हमने ऑलरेडी बात भी किया हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज मार्केट अप पे है। पहली चीज, क्या ये सही समय है स्ट्रैटेजी के हिसाब से कि हमें क्या अभी पैसा लगाना चाहिए? क्योंकि अगर मैंने अभी पैसा लगाया, एक जो कॉमन में जो एक थर्ड पार्टी जो सोचता है उसके हिसाब से बात करें, आज मैंने पैसा लगाया, आज मार्केट 40,000 पे है, वो अगर नीचे आती है तो मेरा म्यूचुअल फंड का जो वैल्यूएशन होगा वो भी नीचे आएगा, क्योंकि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, ये लमसम की बात। तो मुझे ये बताइए कि मैं जब लमसम की बात करूं तो मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपने अमाउंट को फोकस रखना चाहिए। दूसरी चीज़ के साथ साथ मेरे पास एक लिक्विड फंड भी पड़ा हुआ है, उसको भी आप इसके साथ एड्रेस करने की कोशिश कीजिएगा कि मैं उसका भी यूटिलाइजेशन कैसे करूं अगर मैं तब तक इन्वेस्टमेंट ना करूं। देखिए, ये जैसा कि हमने डिस्कस किया कि एक बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है आज के टाइम पे, जब मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो सभी को ये डर लग रहा होता है कि क्या इस टाइम पे वो पैसा लगाए या नहीं लगाए। सही बात है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को एक सिंपल वे में ऐसे एड्रेस करने की कोशिश करूँगा कि वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने एक बार यही बोला था कि आपको हमेशा उस टाइम पे पैसा लगाना चाहिए जब आपके पास पैसा हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप पैसा कहाँ लगा रहे हैं, आपका होराइजन कितना है, पैसा आप कब निकाल रहे हैं। इन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए आप अपने पैसे को बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। आप जैसे कोई एक रेगुलर इन्वेस्टर है जिसको इक्विटी मार्केट का बिल्कुल अच्छे से पता है कि मार्केट में कैसे अप्स एंड डाउन आते हैं, फ्लक्चुएशंस क्या हैं, वो शायद रिस्क लेने में बहुत नहीं डरेगा। अगर वो अपना होराइजन लंबा रखता है, 5 साल 6 साल का। मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा क्योंकि जो मिस्टर राजू जी हैं जिनका मेल आया हुआ है, मेल पर जो फोटो लगा, क्योंकि मेरी अभी उनसे बात नहीं हुई है, जो मेल पे फोटो लगा है वो ओल्ड एज किसी पर्सन का फोटो लगा है। बिल्कुल। तो मैं अब उस एंगल से बात करता हूँ कि मुझे रिस्क नहीं लेना, पहली चीज। दूसरा, मुझे मार्केट का बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम तभी जाते हैं जब हम रिस्क को समझते नहीं हैं या हमारे पास उतना टाइम या एनर्जी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे ज़ूम करके चल रहा हूँ कि जो हमारे मिस्टर राजू हैं उनको ये दोनों चीज़ों की प्रॉब्लम होगी कि एक तो उनके पास जो भी होगा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, दूसरा उनको मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो क्या उनके लिए स्ट्रैटेजी हो? देखिए, मैंने आपको इसीलिए बताया कि रिस्क एपेटाइट क्या है। अगर वो क्लाइंट, अगर थोड़े से एजड क्लाइंट हैं और वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उनके लिए इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। अगर वो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड्स में लगाएं, जो इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड फंड्स होते हैं, आप उसमें पैसा लगाएं, जिसमें आपका 65-70% पैसा आपका इक्विटी में लगता है, बाकी 30-35% पैसा आपका डेट में लगता है। मैं वो समझ गया, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन जो उनका आंसर नहीं हुआ, वो बार बार बात कर रहा है लमसम की। ये तो आपने बताया कि प्रोडक्ट पे रिस्क, मैं उनका क्वेश्चन ये है कि आज के सिनेरियो में मेरे पास अगर 10 लाख रुपये, लेट्स ज़ूम, मैं आज लगा दूं, क्वेश्चन ये है, या मैं उसको सिस्टमैटिकली उसी इन्वेस्टमेंट को लमसम को यूज करूं, उस पे आपका क्या कहना है? मैं वही बता, अगर आपका रिस्क एपेटाइट स्ट्रांग है, हाँ, आप लमसम लगा सकते हैं, बस होराइजन लंबा रखिए। ओके। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं यार मैं बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो सबसे अच्छा आइडिया है आप अपने पैसे को लिक्विड फंड में डालिए, वहां से आप एसटीपी कीजिए। एसटीपी क्या होता है? दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो इसके लिए क्या मुझे किसी एडवाइजर की जरूरत पड़ेगी या मैं खुद कर सकता हूँ? आप एडवाइजर के थ्रू भी कर सकते हैं। एडवाइजर के थ्रू करने का ये फायदा है कि वो आपको अच्छे फंड्स एडवाइस कर सकता है, उसको मार्केट का नॉलेज है, वो अवेयर है, वो आपको टाइम टू टाइम गाइड कर सकता है। अगर आप खुद ही नॉलेजेबल हैं, खुद आपको नॉलेज है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली जाइए म्यूचुअल फंड कंपनीज में, आप वहाँ पर कर सकते हैं। यानी कहने की बात, अगर इसको मैं समराइज करूँ, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे रेक्टिफाई कीजिएगा, अगर आप पैसा आज लगाते हैं और आपका होराइजन लंबा है तो रिस्क फैक्टर मिनिमाइज हो जाएगा। और जब भी आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएं, एक चीज़ का ध्यान रखना ही रखना है, आपका होराइजन लंबा होना चाहिए। ठीक है,
यानी कि लमसम अगर आज के डेट में मार्केट अप है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप आज पैसा लगाते हैं और उसको होराइजन लंबा रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो कैटर कॉम्पनसेट हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कभी भी 10 साल का सिनेरियो उठा के देखिए, लास्ट 10 ईयर्स, 7 ईयर्स, 8 ईयर्स का देखिए, शायद ही कोई फंड होगा जो आपको 10-11% का एनुअलाइज रिटर्न नहीं देता है। इसलिए इसमें होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते या होराइजन छोटा है तो आप इसको डाइवर्ट करें, बिल्कुल जो आपने वर्ड सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान उसमें यूज करें और वहां से उसका बेनिफिट ले और रिस्क को मिनिमाइज करें। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो मार्केट के अप एंड डाउन से म्यूचुअल फंड को बहुत फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते आपका जो टाइम लाइन है वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तब आपको नुकसान और फायदा हो सकता है, लेकिन अगर आप होराइजन लंबा रखते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज और समझ लें, अगर आज 40,000 है तो कल 50,000 होगा, यही इम्पोर्टेंट है। अगर 50,000 होगा तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। आपने 40,000 पे इन्वेस्ट किया है और मार्केट डेफिनेटली ऊपर जाना है ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, 6 ईयर, 7 ईयर्स, मार्केट ऊपर जाना ही जाना है। तो आज अगर 40 है तो आज आने वाले टाइम में मार्केट 60,000 होगा, आपका पैसा मूव करेगा ऊपर की तरफ। तो कहने का मतलब इन शॉर्ट की टाइमिंग कभी गड़बड़ नहीं है, बशर्ते अगर आप उस प्लान पे स्टिक रहते हैं और अपना होराइजन लंबा रखते हैं तो रिस्क मिटिगेट हो सकता है। लेकिन अगर आपका होराइजन लंबा नहीं है, यानी 5 साल या 8 साल का होराइजन ही रखते हैं या हो सकता है उससे भी कम है, तो आपको सावधानी बहुत बरतने की जरूरत है। बिल्कुल, आप म्यूचुअल फंड लगाने के पहले उसके रिस्क और उसके रिटर्न सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, साथ के साथ एक जो भी एक आपके नज़दीक में या किसी भी तरह का जो एडवाइज़र हो उसकी भी जरूरत आप डायल करें। सेफ इंस्ट्रूमेंट में लगाइए पैसा, फिर जो जैसे डेट फंड्स होते हैं आप सेफ इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाइए अगर आपका होराइजन छोटा है तो। कहने का मतलब कि आपको फिक्स मिलेगा, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यस, वहाँ पे फ्लक्चुएशंस बहुत कम है। डेट फंड में भी फ्लक्चुएशन होता है, लेकिन उस फ्लक्चुएशन का कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है अगर आपका होराइजन 1-1.5-2 साल है तो। इसके अलावा कोई और ऐसा पॉइंट जो कि ध्यान रखने की जरूरत है? मैं आपको ये बोलूंगा कि जब भी आप किसी भी फंड में पैसा लगाएं तो उस फंड का बैकग्राउंड जरूर चेक कर लें, एक बार जरूर चेक कर ले वो फंड कितना पुराना है, फंड किस फंड हाउस का वो फंड है और उसका फंड मैनेजर क्या है, अब लास्ट 5 ईयर्स का उसका रिटर्न कैसा है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि आप ज्यादा रिटर्न पे ना फोकस होकर कंपनी की ग्रेविटी पे फोकस रखिए। आई थिंक वो बहुत ही की रोल होता है कि कंपनी का जो बैकग्राउंड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो उसके फंड परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट कर जाए। यस, तो कहने का मतलब म्यूचुअल फंड में कोई एज सच रिस्क बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर डिवाइस। ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता कि रिस्क नहीं है, रिस्क है क्योंकि ये कहीं ना कहीं मार्केट से लिंक प्रोडक्ट है और मार्केट से लिंक होने की वजह से रिस्क तो हमेशा उसमें रहेगा और रिस्क के साथ ही रिवॉर्ड होता है। अदरवाइज एफडी ऐसा एक आइटम है, जा सकते हैं जहां पे रिस्क के नाम पे कुछ भी नहीं है, लेकिन पीएमसी बैंक भी उसका एक एग्जांपल है। तो पीएमसी बैंक इज नॉट अ रेगुलर बैंक, इसलिए उसमें ये प्रॉब्लम आया। वो लेकिन मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि रिस्क तो वहाँ भी है। हाँ बिल्कुल, रिस्क तो हर जगह है। देखिए तो पीएमसी बैंक भी कोई छोटा बैंक नहीं था, यानी कि रिस्क कहीं ना कहीं तो है, हो सकता है वो मिनिमाइज किया जा सकता है या कहीं वो मैक्सिमाइज होता है। तो ये आपके अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर है, लेकिन मार्केट जिस हिसाब से है कहीं ना कहीं वो आगे जाएगा। अगर मैं 10 साल का प्लान करता हूँ तो कहीं ना कहीं आपको कुछ दे के जाएगा। इसके अलावा हमें और राजू जी को कोई एडवाइस देना हो तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमने सारी चीजें कवर कर दी। हम फंड के बारे में इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये हम 1-on-1 डिस्कस भी कर सकते हैं, आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं और हम कभी भी फंड का नाम लेने से थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं क्योंकि हम किसी भी तरह का वो मैसेज नहीं देना चाहते हम किसी फंड के लिए काम कर रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो, तो हमारा कोई उसमें इंटेंशन नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम उस तरह की कोई एडवाइस, तो आप ड्रॉप बॉक्स में आके अपना नंबर ईमेल आईडी दें, नंबर ना दें ईमेल आईडी ही दें, ज्यादा अच्छा होगा। हम ईमेल के थ्रू आपको कनेक्ट करके आपसे नंबर ले लेंगे क्योंकि पब्लिक डोमेन में नंबर देना कहीं सही नहीं होता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कहीं भी कोई परेशानी है, फाइनेंशियल लाइफ में किसी तरह का स्ट्रेस है, हमको आप बता सकते हैं और हम कहीं ना कहीं आपके जीवन में मदद कर सकते हैं, वही फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे के। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।